ये कह रहे हैं कि बर्बाद जिंदगी कर ली, जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, और खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते। हेलो, बदनामी का डर है तो खत्म करो ये किस्सा, इस प्यार की शम्मा को बुझा क्यों नहीं देते। इस प्यार की शम्मा को बुझा क्यों नहीं देते, बुझा क्यों नहीं दे। हाँ देखिए साहब, अभी आप सुन रहे थे, शम्मा बुझा क्यों नहीं देते, खत जला क्यों नहीं देते। खत की बात सुनी, लेकिन जवाब दे रहा हूं खत का। बुल्ला जी, हाँ बोलिए। दिल की दहलीज पर यादों के दिए रखे हैं, थोड़ा सा लाउड करके रखे। देखिए साहब, इन्होंने खत की बात कही तो मैं खत का जवाब दे रहा हूं क्या। दिल की दहलीज, क्या बात है, दिल की दहलीज पर, क्या बात है, यादों के दिए रखे हैं। ठेकेदार साहब इनसे कह दें, दिल की दहलीज पर यादों के दिए रखे हैं, अब तलक हमने ये दरवाजे माता भाई खुले रखे। गुलना जी कह रही हो खत जला दो जी, लेकिन सुनो, दिल की दहलीज पर यादों के दिए रखे हैं, अब तलक हमने ये दरवाजे खुले रखे हैं, रखे हैं, और ना बताया है तुझे और ना बताएंगे कभी, जाने मन कितने खत अभी तेरे नाम लिखे रखे हैं, कितने खत अभी तेरे नाम लिखे रखे हैं। लेकिन कहना है कि यादें, यादें उसकी मिटा के आई है। जब खत की बात हो रही है तो खत की ही बात हो रही है। खोलना मत खत, बंद है अभी तक। यादें उसकी मिटा के आई हूँ और खत उसका पानी में बहा के आई है, आई हूँ, कोई पढ़ ना ले उस बेवफा की यादों को, इसलिए पानी में आग लगा के आई हूँ। लेकिन आग लहरा के चली है इसे बादल कर दो, आग लहरा के चली है इसे बादल कर दो, आग लहरा के चली है इसे बादल कर दो, आग लहरा के चली है इसे बादल कर दो, आग लहरा के चली है इसे बादल कर दो। अली जनाब, भोलू भाई, महफूज भाई, साडू साडू, आपकी जानिब से 100 रुपए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुल्ला जी मेरा कहना है कि आग लहरा के चली है एक गरबा में, आग लहरा के चली है एक गरबा में, आग लहरा के चली है। हाँ देवो, क्या बात है, वाह, तुम्हारे हाथों से लेंगे, खड़ी हो जाओ। लेकिन हाँ इधर आ जाएं, तुम्हारी यार हाइट बहुत छोटी है, इधर आ जाओ, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूं, कुछ नहीं करता हूं, आ जाओ। आग लहरा के चली है इसे बादल कर दो, ये महता भाई कहते हैं। अच्छा वो कह रहा हूं, क्या नाम है, अच्छा ठेकेदार साहब, जो अधूरी थी वो कहानी भी पूरी कर दी, अच्छा, जो नहीं हो पाई थी वो बात भी पूरी कर दी, अब तो खुश हो जा मेरी जाने मन, ठेकेदार साहब ने तेरी मुंह दिखाई कर दी। मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो, तू मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो, तू मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो। काय के गुल्ला जी, आग लहरा के चली है इसे पागल कर दो बेटा, आग लहरा के चली है इसे बादल कर दो,
और तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो। है क्या खुसुर खुसुर कर रही हूँ उनके कान में, गुस्ताखी कर रही हूँ ठेकेदार साहब की शान। नहीं नहीं नहीं, सेटिंग चल रही है। ये कह रहे हैं कि मुंह दिखाई करिए तो पैसे मेरे हुए थे। नहीं नहीं, शोहर के पैसे होते, क्या करोगी पैसों के, शोहर के कैसे हो जाएंगे भाई, मेरी मुंह दिखाई करी है तो मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं नहीं, वो सब जितना माल तुम्हारा है वो शोहर का हस्बैंड का होता है, तुम क्या करोगी। सुनो, आग लहरा के चली है इसे बादल कर दो, तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो। चांद सा मिश्रा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर, मुकम्मल कर दो। और तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। लेकिन जी हेलो, तुम मुझे पागल कर दो जी, जो तेरे भूत है सर पर उतार भी सकती हूँ। ये कह रहे हैं मुझे पागल कर दो, लेकिन मैं पागल कैसे करूंगी, कैसे करेंगे। हाँ, जो तेरे भूत है सर पर उतार भी सकती हूँ, मैं चाहूँ तो तेरी तबीयत सुधार भी सकती हूँ। हाँ, मैं कब से चाह रहा हूँ कि तबीयत सुधारो मेरी जी। हाँ, जो तेरे भूत है सर पर उतार भी सकती हूँ, मैं चाहूँ तो तेरी तबीयत सुधार भी सकती हूँ, अगर है जिंदगी प्यारी तो मुझसे दूर रहो हेलो, वरना मैं अपने हुस्न के जलवों से तुम्हें मार सकती हूँ। सुनो, कई काफी रोज से तुम्हारे हुस्न का जलवा देख देख के परेशान हूँ। अब ठेकेदार साहब को दिखा रहे सुने, हम वो दीवाने हैं, हम वो दीवाने हैं जो ताजा हवा लेते हैं, खिड़कियां, मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल, अच्छा ठेकेदार साहब कह रहे हैं, गरबा के जो नौजवान है कहते हैं, हम वो दीवाने हैं जो ताजा हवा लेते हैं, खिड़कियां खोल के मौसम का मजा लेते हैं, ईद जब आती है हम ऐसे मना लेते हैं, ईद जब आती है हम ऐसे मना लेते हैं, ईद जब आती है हम ऐसे मना लेते हैं। माता भाई इनसे कह दो, ईद जब आती है हम ऐसे मना लेते गुलना जी, तेरी तस्वीर को, तेरी तस्वीर को सीने से लगा ले, जो ताज हवा लेते हैं। ढोलक की चाटी खोल दे पहले भैया, क्या कर रहे हैं आप भैया, मत कहो खोलेंगे नहीं बिल्कुल, भैया मत कहे ना। हाँ क्यों, क्या कहूँ तो, अरे भैया ने कहने जो भी लग रहे हैं, ये तो मत आशिक है तुम्हारे। अच्छा मेरे आशिक हैं, और तुम कौन हो? हम तुम्हारे हस्बैंड। हस्बैंड हो जी, कब हुई शादी? पता नहीं, मेहंदी शादी कब हुई, मेहंदी लगा शादी कब हुई पहले ये बताओ। शादी हाँ, शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ, किस काम की रही जाने मन वो दिखावे की जिंदगी, वादे किसी से और गुजारी किसी के साथ। वादे किसी के साथ गुजारी किसी के साथ, के मुझसे शादी अगर रचाओगे, मुझसे शादी अगर रचाओगे तो देख लेना एक दिन बहुत पछताओगे, मुझसे शादी अगर रचाओगे तो देख लेना एक दिन बहुत पछताओगे, मैं अपने आगरे की बहुत बड़ी लड़ाकन हूँ, रोजाना मुझसे बेलन से मार खाओगे। रुक जाओ यार,
के दर दर भटक रहे हैं ये लुगाई के वास्ते। ये कह रहे हैं मुझसे शादी कर रहे हैं। तुम्हारी शादी हो चुकी है? मेरी? हाँ, मेरी शादी तुमसे तो हुई। मुझसे कब हुई? दो बच्चे भूल गई? ना, भूल गई हो तुम? नहीं, तुम अपनी आंखों में इसका चेहरा बसा कर लाया हूँ, हंस के हंसा के इसको लाया हूँ। ठेकेदार साहब कहाँ मिलता है इस तरीके का माल, इसको मैं आगरा से फंसा के लाया हूँ। दर दर भटक रहे हैं ये लुगाई के वास्ते। कहाँ मिलता है इस तरीके का माल, ठेकेदार साहब मैं इसको आगरा से फंसा के लाया हूँ। दर दर भटक रहे हैं ये लुगाई के वास्ते, अपनी बिछोड़ बैठे पराई के वास्ते। कहना है कि दर दर भटक रहे हैं ये लुगाई के वास्ते और अपनी भी छोड़ बैठे हम पराई के वास्ते। वास्ते कल इनके माँ बाप गए थे इनकी सगाई के वास्ते, ये रसगुल्ले लेके आए थे अपनी भौजाई के वास्ते। लेकिन रुको, एक शेर हो गया तुम्हारा, मेर में कहने दो। इन्होंने कहा कि ये दर दर भटक रहे थे लुगाई के वास्ते। सुना, जवाब दूं? जवाब सुने अरशद कामली का। ना मैं भटक रहा था लुगाई के वास्ते, जाने मन तेरा ध्यान किधर है, अरशद कामली इधर है। तुम्हारी तरफ ध्यान है। ना मैं भटक रहा था लुगाई के वास्ते, ना मैंने अपनी छोरी पराई के वास्ते। गुलनाज तुमको कुछ नहीं है पता, मैं रसगुल्ला लेने गया था तुम्हारी बहना के वास्ते। मेरी बहना के वास्ते लेने गए थे? हाँ, और क्या। अच्छा, साली आदि घरवाली। अच्छा, सही है, चलो तुम किसी काम में तो आए, रसगुल्ले लेके आए जी। लेकिन के नशा तुम्हारा किसी दिन मैं उतार डालूंगी, कलेजा काट के एक दिन अचार डालूंगी डालूंगी। ये बेहयाई दिखाना तुम अपने पूरनपुर जाकर, दोबारा मेरी बहन का नाम लिया तो तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब शेर सुनो भाई, जान से मार देंगे। हाँ, जान से मार देंगे। ठेकेदार साहब ये समझ नहीं है कि जान से मारने तब दूसरा नंबर लगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बिगाड़ कुछ ना सका जीते जी कोई मेरा। वाह, क्या करोगी, मार दोगी। सुनो शेर सुने माता भाई भाई। बिगाड़ कुछ ना सका जीते जी मेरा कोई, मेरे ही मरने का मेरी बीबी को इंतजार रहा। क्या बात है। बिगाड़ कुछ ना सका जीते जी कोई मेरा, मेरी बीबी को मरने का मेरा इंतजार रहा। अभी तो जुगाड़ लगेगा। भला रकीब, भला ये दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकते थे, जाने मन मैं जब मरा तो दो तीन पे सवार रहा। के मिटोगे इस तरह के अपनी निशानी न पाओगे। बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। अब प्यार मोहब्बत नहीं रह गया, मुकाबला हो गया। के मेरी बीवी है कि वो मेरी साली है। मिटोगे इस तरह के अपनी निशानी न पाओगे, और मेरी जुल्फों से उलझोगे तो पानी भी ना पाओगे पाओगे। कभी आईने में अपनी शक्ल देख तो लिया करते, अरे नई की बात करते हो पुरानी भी ना पाओगे। अब इनका जवाब भाई सुन ले। पानी पानी की बात आपने सुनी अभी। पानी भी ना पाओगे, क्यों? पानी पुराने भी ना पाओगे, पुरानी भी ना पाओ, नई की बात करते हो पुरानी भी ना पाओगे। तुम नई हो, बाल में कलर लगा लोगे लड़की हो जाओगे। अल्लाह का शुक्र है नई पूरी औरत हो, पता नहीं किस जमाने की हो। हाँ, तुम तो बुड्ढे हो। हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर तो बुढ़ापा है। मैं बुढ़ापा? हाँ। सुनो, इन्होंने मुझे बुढ़ा कह दिया। सुनो जाने मन, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं बुढ़ा हूँ। तो जवान हो। सुनो शेर जाने मन, हर चीज का जवाब तुम्हें मिलेगा। आज अरशद कामली से मुकाबला है तुम्हारा। सुनो, कहा है कि इतना मजबूर ना कर बात बनाने लग जाए। भैया ये पहले लाइटें बंद करो, ये लाइट मार रहा है मेरे मुंह पे। नहीं, बिल्कुल बंद मत करना लाइटें, बिल्कुल बंद मत करना। ये वाली लाइट नहीं, कोई नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। सुनो तो इनके मुंह पे मारो। मैं मारो मेरे मुंह पे, जब मेरे मुंह पे आएगी तो मैं कुल्ला इधर कर दूंगा इनके मुंह पे। सुनो, इन्होंने मुझसे बुढ़ा कहा, इतना मजबूर ना कर बात बनाने लग जाए। अच्छा, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए, खाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब
मैं जो चाहूं तो भोली पे निशाने लग जाए जाने मन। इधर देखो हाँ। मैं अगर अपनी, इन्होंने मुझसे बुढ़ा कहा, ठीक मैं बुढ़ा हूँ, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे जाने मन, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाए। हाँ। क्या कह रहे हैं, पाँव दबाने लग जाए। हाँ, तो यानी कि आपने मान लिया कि आप बूढ़े हो चुके हैं। हाँ। ये जवानी के किस्से सुनाएंगे, बुढ़ापे के किस्से सुनाएंगे, तो बुढ़ापे का बुढ़ापा भी बड़ा शैतान होता है, और बुढ़ा जब पकड़ लेता है 10 घंटे के बाद शांत होता है। अरे ये पकड़ना पकड़ना तुम्हें आता है, मुझे नहीं आता। हम का बुढ़ा, लेकिन ये जवानी की बात कर रहे हैं। हाँ। जवानी 4 दिन की है, जवानी के मजे ले लो। क्या बात है, इधर आओ अर्शद जी, इधर आओ। नहीं अमल्ला, इधर आओ, बुढ़ापा आ गया तुम्हारे ऊपर। बड़े खतरनाक शेर है मेरे बुढ़ापे के, याद रखना। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। हाँ। आप तो रखेंगे शेर, क्योंकि आपके ऊपर बुढ़ापा है, तो शेर भी रखेंगे माशाल्लाह। मन भरा नहीं अभी शेर? नहीं, नहीं, नहीं। आपके लिए है। हाँ कोई बात नहीं, के जवानी 4 दिन की है, जवानी के मजे ले लो, इधर आओ मेरे दिल से मेरे जज्बात से खेलो। अरे मजा क्या खाक आएगा हर्षद जी, मजा क्या खाक आएगा बुढ़ापे में दिल लेने और देने का, जो लेना है अभी ले लो, जो देना है अभी दे दो, जो लेना है अभी ले लो, जो देना है अभी दे दो। जी। सब पाउडर मेले का लगाकर आइए, क्या लेंगे यार। सुनो बहुत बोल रही हो, तेरा जीना मुहाल कर दूंगा, हाल से तुझको बेहाल कर दूंगा, कर दो। हमको बताने की भूल मत करना जाने मन, वरना मार मार के तेरे गलुए लाल कर दूंगा। लेकिन नाज तुझको ना नचा दूं तो मेरा नाम नहीं। शहनाज नाम कर लेना, शहनाज नहीं गुलनाज ही रहेगा, मरते दम तक गुलनाज रहेगा। हाँ। के नाज तुझको ना नचा दूं तो मेरा नाम नहीं, तुझको दर दर ना फिरा दूं तो मेरा नाम नहीं, नाम नहीं, लेकिन तुझको अपना बना के छोड़ूंगी, तेरे घमंडी सर को मैं छोड़ूंगी। अर्शद जी उम्र भर तक तुमको याद रहे ऐसा चूना लगा के छोड़ूंगी, बस इतनी सी छोटी बात, चूना। हाँ, चूना लगा के छोड़ूंगी। लेकिन सुनो जाने मन, तुम चूना लगाओगी, ये जाने मन क्या होता है? जाने मन, हाँ जाने मन, जाने मन क्या होता है? जब फिट होता है जाने मन, जब ही तो सब होता है। सुनो मीठा मीठा जाने मन। सुनो इन्होंने कहा चूना लगा के छोड़ूंगी, लेकिन ठेकेदार साहब जवाब सुने, कहा के जो तूने नहीं पढ़ा है पढ़ा के जाऊंगा, बिल्कुल जवाबी दूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। इन्होंने कहा चूना लगा के छोड़ूंगी, मगर मैं क्या कर रहा हूं, क्या जो तूने पढ़ा है पढ़ा के जाऊंगा, बल्कि जो तूने नहीं पढ़ा है पढ़ा के जाऊंगा, जो नहीं सीखा है वो सिखा के जाऊंगा जाऊंगा। गुलनाज ना कैप्सूल ना इंजेक्शन, जो तूने नहीं पढ़ा है पढ़ा के जाऊंगा, जो नहीं सीखा है वो सिखा के जाऊंगा जाऊंगा। इधर देखो जाने मन है न कैप्सूल न इंजेक्शन न टेबलेट की जरूरत पड़ेगी, जाने मन आज एक गरबा में तेरे ऐसी जगह जख्म लगा के जाऊंगा, चूना लगा के जाएंगी। हाँ तुम जख्म लगा के जाओगे, लेकिन मेरा इनसे क्या कहना है, क्या कहना है, के इश्क का गम जो सहने की ताकत नहीं, तो अमल मेरी बातों पे कर जाइए, मैं इनकी तरह गंदा नहीं गाती हूँ कि जख्म ऐसा लगा के जाऊंगा, चूना लगा के इंजेक्शन लगा के जाऊंगा, लेकिन मैं जी मेरी माँ बहने भी बैठी है, मुझे गंदा आता नहीं गा। तो तुम चूना कैसे लगा रही हो? हाँ चूना लगाना क्या होता है? कर रही हो, पान तो पे चूना लगाना होता है, ठेकेदार साहब ये पान, पान पे चूना, तो जख्म क्या हुआ, मुंह कट जाता है, जख्म हो जाता है भाई, क्या हुआ, ज्यादा चूना लगा दिया जख्म बन गया। अच्छा हाँ जख्म पे क्या लगाओगे? जख्म पे वो मिलता है, क्या मिलता है पूछो पूछो, क्या मरहम है तुम्हारे पास? है वो है मेरे पास, लेकिन यार पैसा खत्म होगा। अच्छा इश्क का गम जो सहने की ताकत नहीं, देखिए है ठेकेदार साहब लाए लाए हैं, क्या बात है क्या बात है, वाह। इश्क का गम जो सहने की ताकत नहीं, अमल मेरी बातों पे कर जाइए,
इस तरह रोने धोने से क्या फायदा, जहर खा लीजिए और खा के मर जाइए। ये जख्म लगाते रहो। क्यों? जहर खाने मर जाए, मारने की जुगाड़ में हो? बिल्कुल मारने की जुगाड़ में आज तुम्हें। ये बताओ कहाँ लगी हो? भाई मोहब्बत जब तक की रहती है, जब तक रिचार्ज करते रहो मोहब्बत। मना कर दिया भैया पैसे नहीं है, खत्म मोहब्बत। कि जुगाड़ में लगी है, जहर खा ले मर जाए। क्यों मर जाए भाई? है इधर देखो। हाँ सुनाओ। क्या सुनोगी? जो तुम सुना दोगे। हो तुम्हारी आंखों में मिट्टी के घर नहीं आते। माता भाई सुनना, कहे तुम्हारी आंखों में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें याद हम नहीं आते। हम नहीं आते गुलनास, खुशी की आंखों में आंसू की भी जगह रखना, क्योंकि बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते। सही बात है। हेलो जी। लेकिन कहना है कि वो मेरे पास आना चाहता है। अच्छा। हेलो। वो मेरे पास आना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। नजरें ये उसकी मुझे ढूंढ रही हैं, वो मेरा दिल चुराना चाहता है। लेकिन दिल के बिगड़े हुए हालात तूने सोने न दिया, जिंदगी तेरे सवाल न सोने न दिया। गुल्ला जी हाँ, तुम मुझे छोड़ के अब खैर की हो जाओगी, मुझको ऐसे ही ख्यालात ने सोने ना दिया। तो मतला रख रहा हूं मुकाबले का, क्या दो लुटकाए सारे महफिल